एपिसोड 884, जिंदगी दांव पर। सुमेर ने छलावा की गर्दन पकड़ ली थी, लेकिन छलावा ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था कि उसके सामने जो खड़ा था वो सुमेर तो कतई नहीं था, क्योंकि उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। छलावा को ऐसा लगा जैसे कि जो उसके सामने था उसने अपने हाथों में बर्फ की पूरी पूरी चट्टान ही उठा रखी थी, और धीरे धीरे छलावा की पूरी बॉडी भी ठंडी पड़ने लगी थी। उसके गले पर ना तो कोई दबाव पड़ रहा था और ना ही उसका दम घुट रहा था, बल्कि उसकी बॉडी बर्फ में बदलती जा रही थी। छलावा के पैर कांप रहे थे, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगा और कांपते हुए उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। छलावा के दांत इतनी जोर से कट कट कर रहे थे कि आसपास में उसकी आवाज तक गूंज रही थी। तभी छलावा को किसी ने जोर से झनझोड़ते हुए कहा, छलावा उठो छलावा। छलावा को ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज उसके कान में गूंज रही थी। वो सुन तो पा रहा था कि कोई उसके आसपास था, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था और ना ही कुछ समझ पा रहा था। धीरे धीरे करके छलावा को समझ में आने लगा था ये आवाज विक्की और रूप की थी। एकदम से छलावा ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि वो घर के बरामदे में ही सोया हुआ था। ये देखकर छलावा घबरा गया और हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया और बोला, मैं यहाँ नहीं, मैं तो सुमेर, हमारी मोटरसाइकिल। छलावा की आधी अधूरी बातें विक्की और रूप के समझ में ही नहीं आ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और रूप ने छलावा को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, क्या हुआ छलावा, पहले शांत हो जाओ, लंबी सांस लो, पानी पियोगे? छलावा ने कहा, नहीं मैं ठीक हूं, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया? रूप ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम हॉस्पिटल से घर आए हो, अपनी बाइक तुमने बाहर लगाई है, उसके बाद ध्रुव से बात की, फिर यहाँ आकर सोए हो, और फिर तुम एकदम से चीखने लग गए थे। विक्की ऊपर वाले कमरे में सो रहा था, वो भी तुम्हारी आवाज सुनकर ही नीचे आए हैं, मैं खुद भी घबरा गई। आखिर हो क्या गया है तुम्हें, तुमने कोई बुरा सपना देख लिया क्या? छलावा इनकार करते हुए बोला, नहीं वो कोई सपना नहीं था, ये सब कोई सपना कैसे हो सकता है? रूप ने छलावा को शांत करते हुए कहा, ओके फाइन, सपना नहीं होगा, जरूर कोई वहम होगा। वैसे भी जब तुमने ध्रुव को बताया कि तुम किसी शॉर्टकट से आए हो तो वो भी इस बात से परेशान हुआ था। आई थिंक उस जगह का तुम्हारे दिमाग पर कोई इम्पैक्ट हुआ होगा और तुम्हें ये वहम हुआ है। तुम आराम से सो जाओ, देखना सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। विक्की ने भी रूप की इस बात से सहमति दिखाई और छलावा के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, रूप बिल्कुल ठीक कह रही है, और मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा फट्टू है। तुम लोग मुझे डरपोक बुलाते हो, लेकिन आज तूने प्रूफ कर दिया कि तू सबसे बड़ा डरपोक है। जरा तारा के सामने कोई ये बात कह दे तो मजा आ जाए। रूप ने कहा, ठीक है मैं ये बात तारा को खुद कह दूंगी। अब खुश, अब एक काम करो, तुम यहीं छलावा के पास ही सो जाओ ताकि इसे फिर से डर ना लगे। इस पर विक्की ने कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरे होते हुए तुम्हारे छलावा को कुछ नहीं होगा। लेकिन उन दोनों की ऐसी बातों से भी छलावा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी काफी नर्वस नजर आ रहा था। रूप ने बेबसी से विक्की की तरफ देखा तो विक्की ने उसे शांत रहने के लिए इशारा किया और ऊंची आवाज में बोला, अब जाओ भाई, दो हैंडसम लड़के सोने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहां बैठी हुई हो। रूप अंदर कमरे में गई और वहां से अपने साथ एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेकर आई और छलावा को देती हुई बोली, ये लो, अगर ठंड लगी तो इस ब्लैंकेट को ओढ़ लेना। इतना कहकर रूप अपने कमरे में चली गई और फिर वापस आकर बोली, तुम्हें और कुछ चाहिए? रूप ने जब ये बात पूछी तब छलावा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन विक्की हाथ जोड़ता हुआ बोला, माते कृपया यहां से प्रस्थान कीजिए, अगर इन्हें कोई भी जरूरत होगी तो इनका दास यानी कि मैं यही बैठा हुआ हूं, अब निकलो यहां से। रूप ने कहा, अरे हाँ ठीक है मैं जा ही रही हूं, मैं तो बस पूछने आ गई थी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इतना कहकर रूप वहां से चली गई। छलावा बस चुपचाप छत की तरफ देख रहा था, लेकिन विक्की उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, भाई आंख बंद करेगा तभी तो नींद आएगी, या अब मैं तुझे कोई लोरी सुनाऊं? छलावा ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। विक्की उसके बगल में ही लेट गया और कुछ ही देर के बाद विक्की के खर्राटू की आवाज आने लगी, लेकिन छलावा को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सब घूम रहा था और आखिर में वो उठकर बैठ गया और बोला,
हाथ मुंह धो लेता हूँ, शायद मुझे कुछ अच्छा महसूस हो। इतना सोचते हुए छलावा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अभी वो हाथ मुंह धो ही रहा था कि उसे विक्की के चीखने की आवाज सुनाई दी। विक्की की आवाज सुनकर वो भागता हुआ बरामदे में पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर विक्की था ही नहीं। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो अचानक से कहां चला गया होगा, यहां तक कि रूप के कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। छलावा ने उसके कमरे में झांक कर देखा तो वो भी अपने बिस्तर पर नहीं थी। छलावा को मुश्किल से 10 से 12 मिनट हुए थे वॉशरूम में गए, और इतनी देर में उसे पता ही नहीं चला कि आखिर ये दोनों कहां चले गए। तभी फिर से विक्की की आवाज आई और ऊपर वाले कमरे से ऐसा लगा जैसे कि कोई जल्दी जल्दी इधर से उधर भाग रहा था। छलावा बिना कुछ सोचे समझे ऊपरी मंजिल की तरफ भागा। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा जिस रूम में वो लोग सोते थे उस रूम में तो कोई नहीं था, बल्कि जिस रूम में ताला लगा हुआ था और रक्त रंजित की क्रिया की गई थी उस वाले रूम का दरवाजा अंदर से बंद था और ये आवाज भी उसी कमरे से आ रही थी। छलावा ने दरवाजा पीटते हुए कहा, विक्की, रूप, क्या तुम दोनों यहाँ हो? विक्की ने कहा, छलावा हमें बचाओ, ये लोग हमें मार डालेंगे। छलावा ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन लोग, कौन है अंदर? उसके बाद विक्की की कोई आवाज नहीं आई। छलावा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको अब आखिरी रास्ता यही नजर आया कि वो उस दरवाजे को तोड़ दे। छलावा थोड़ा सा दूर गया और फिर भागते हुए आकर उसने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया तो एक ही बार में वो पुरानी लकड़ी का कमजोर दरवाजा टूट गया और अपने सामने का नजारा देखकर छलावा के होश उड़ गए। उसने देखा कि रूप जमीन पर गिरी पड़ी थी, उसके सर से खून बह रहा था और विक्की कहीं नजर नहीं आ रहा था। छलावा ने घबराते हुए कहा, विक्की, कहाँ हो तुम? विक्की की आवाज आई, यहाँ, यहाँ आओ, मुझे बचा लो। छलावा ने देखा कि उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी। छलावा ने तुरंत ही खिड़की से झांक कर देखा तो विक्की नीचे कहीं नजर नहीं आया, बल्कि विक्की तो ऊपर की तरफ छत से लटका हुआ था। छलावा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो विक्की अभी कुछ देर पहले तक कमरे में था वो छत पर कैसे चला गया। तभी छलावा ने देखा कि विक्की के आसपास काले रंग का धुआं घूम रहा था। छलावा समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी और ये सब बस इन लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा था। छलावा बिना कुछ सोचे समझे छत की तरफ भागा और फिर एकदम से वो रुक गया और जिस कमरे में वो लोग सोते थे उस कमरे से चादर लेकर वापस छत पर गया तो उसने देखा कि विक्की छत पर जो रॉड निकली हुई थी उसे पकड़ कर लटका हुआ था। छलावा ने उसे अपना हाथ देने की कोशिश की लेकिन छलावा उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब वो अपने साथ जो चादर लाया था उसे नीचे लटका कर बोला, विक्की, इसे पकड़ लो, इसको कसकर पकड़ो और इसे अपने हाथों में लपेट लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ, डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। छलावा विक्की को धीरे धीरे करके ऊपर खींचने लगा था, लेकिन जैसे ही वो विक्की को ऊपर खींचता उसे अपना गला घुटता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खुद का दम घुट रहा था। छलावा ने हिम्मत करते हुए नीचे की तरफ झांक कर देखा कि आखिर विक्की कितना ऊपर आया था तो नीचे देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो खुद कमरे में था बल्कि वो ऊपर लटका हुआ था और फंदा उसके गले में लगा हुआ था और जमीन उसके पैरों से काफी नीचे थी, यानी कि छलावा अपने ही गले में चादर को लपेटे हुए पंखे से लटका हुआ था। एक तरफ जहां छलावा पंखे से लटका हुआ था वहीं दूसरी तरफ चेरी हवेली में गहरी नींद में सोई हुई थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा कि ध्रुव का कॉल था। लगभग सुबह होने को आ गई थी और इस वक्त ध्रुव का कॉल देखकर चेरी को थोड़ी सी चिंता हुई। उसने तुरंत फोन उठाया और बोली, ध्रुव, क्या हो गया, सब ठीक तो है, तुमने इस वक्त कॉल किया? ध्रुव बोला, चेरी, मुझे नहीं पता कि सब ठीक है या नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और ऐसा काफी टाइम से हो रहा है। मैंने अपने मन को बदलने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम एक बार सुमेर के कमरे में जाकर देखोगी वो अपने कमरे में है या नहीं? अगर वो अपने कमरे में है तो मुझे थोड़ा बहुत सुकून तो रहेगा कि वो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि मुझे कुछ गलत होने का आभास हो रहा है। ध्रुव की बात पर चेरी घबरा कर बोली, यही तो मुझे लग रहा था, मुझे पता नहीं क्यों रात से ही ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं एक बार देखती हूँ कि सुमेर है कहाँ। चेरी आहिस्ता से अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और दबे पांव सुमेर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो सुमेर के कमरे के नजदीक गई थी कि उसे सुमेर के हंसने की आवाज सुनाई दी। चेरी को समझ में नहीं आया कि इस वक्त वो हंस क्यों रहा था। वो मन ही मन बोली,
क्या ये किसी से फोन पर बात कर रहा है? चेरी धीरे से उसके कमरे की खिड़की के पास गई तो उसने देखा सुमेर अपने में ही बोले जा रहा था, अब मिलेगा मुझे सुकून, अब मेरे सारे दर्द का हिसाब हो गया है और मैं चैन से सो पाऊंगा। इतना कहकर एक बार फिर वो हंसने लगा। चेरी को समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता था। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा सुमेर के कमरे के पंखे से एक धोती लटकी हुई थी जिसमें काले रंग की गुड़िया का गला फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया ने आत्महत्या की हो। ये देखकर चेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना तक मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे अपने कमरे में वापस आई और घबरा कर बोली, ये सब क्या था और ये क्या कह रहा था? नहीं नहीं, इसने कुछ तो किया है, कुछ किया है इसने, लेकिन क्या? और ये किसके बारे में बात कर रहा था? मुझे जानना होगा। काले रंग की वो गुड़िया, तंत्र विद्या वाली गुड़िया, ये तो उसी तरीके की वुडू डॉल जैसी दिखने वाली गुड़िया थी जो इसने पहली बार भी एक बार छलावा को अपने कंट्रोल में करने के लिए इस्तेमाल की थी। अफसोस कि उस वक्त मैं सुमेर के साथ थी, लेकिन वो गुड़िया दिखने में कुछ वैसी लग रही थी। इसका मतलब उसके जरिए उसने फिर से किसी पर काला जादू किया है, और अगर ये काला जादू किया गया है तो कहाँ और किस पर किया है? चेरी का एक बार तो दिल किया कि वो जाकर ठकुराइन को उठा दे, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, नहीं नहीं, बेमतलब में सीन क्रिएट हो जाएगा। तभी उसे बेसमेंट का ख्याल आया। चेरी बिना टाइम गवाए गेस्ट रूम के रास्ते से होते हुए बेसमेंट तक जाने वाले उस अलमारी के पास पहुंच गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो ये जानती थी कि पूरी हवेली में अब सिर्फ बेसमेंट ही वो जगह रह गई थी जहां सुमेर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, क्योंकि पूरी हवेली में ऑलमोस्ट हर एक कोने में रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो जाहिर बात थी कि ये तंत्र मंत्र वो कहीं और तो कर नहीं सकता था। अपने धड़कते हुए दिल के साथ अपनी घबराहट को काबू में करके चेरी जैसे तैसे बेसमेंट तक पहुंची, और जैसे ही वो बेसमेंट वाले हिस्से में गई, उसके सामने सुमेर का किया हुआ वो पूरा तंत्र चक्र था, और साथ ही छलावा की वो फटी हुई कमीज भी थी जिसे देखते ही चेरी पहचान गई थी। चेरी धम से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, मतलब सुमेर ने छलावा को वो पंखा, सुमेर ने मेरे भाई छलावा पर काला जादू किया है।